Assalamualaikum dear students, you are here learning with Sir Ilyas and today we will discuss an important topic about test levels. So that one is a subject verb agreement. Dear students, आज आपके लिए हम एक अहम और ख़ास टॉपिक टेस्ट लेवल के हिसाब से लाए हैं जो जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है. देर आर लॉट ऑफ रूल्स अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं. तो टेस्ट लेवल के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये क्वेश्चंस अक्सर टेस्ट लेवल के हिसाब से आते रहते हैं. वो आईबीए टेस्ट हो या एमटीके टेस्ट हो या ईके टेस्ट हो. तो ये बहुत अहम टॉपिक है. इसके चंद उसूल हम आपको इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला जो रूल्स हमने यहाँ आपको बोर्ड पे आप देख सकते हैं, दो रूल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं कि फर्स्ट रूल्स ये है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, यानी जब दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में कनेक्टेड होते हैं और उन जो दो सब्जेक्ट के बीच में लव्स कंजंक्शन आपका एंड आता है. You will take a verb in the plural. यानी इस तरह के sentences में आप जो subject verb agreement जो put करेंगे वो आपका plural form में होगा. तो एक मिसाल भी हमने ये दी है, आप पढ़ सकते हैं कि अली एंड असलम इज हेयर, यानी असलम अली एंड असलम इज हेयर, अली और असलम यहाँ हैं. अब इसमें आप बताएंगे कौन सा सेंटेंस सही होगा. आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में हमने एंड इस्तेमाल किया है. अली एंड असलम आर हेयर, आप देख सकते हैं कि ये दो सेंटेंसेस हैं. एक अली, इसमें जो दो सब्जेक्ट आए हैं और दूसरा जो है अली. तो यकीन है अली एंड असलम आर हेयर, ये दो जब सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आते हैं तो हम वहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो इस्तेमाल जो करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में करते हैं. सो दिस वन इज अ करेक्ट सेंटेंस, ये जो आपका सेंटेंस है करेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपका सेंटेंस एक्यूरेट होगा अली एंड असलम आर हेयर. तो ये पहला उसूल ये था कि टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं एंड के जरिए यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल, यानी जो वर्ब एग्रीमेंट होता है तो वो आपका प्लूरल होता है. ओके नेक्स्ट, इस तरह कह सकते हैं कि अकबर एंड अली आर प्लेइंग, अकबर और अली गेम खेल रहे हैं. अकबर एंड अली आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, और वो कैन से दैट अकबर एंड अली इज प्लेइंग इन द ग्राउंड. इस तरह नहीं होगा, इस नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट आपके दो हैं तो उस उनके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका प्लूरल फॉर्म में होगा. सेकंड यूज आप देख लें, इफ ये बहुत अहम जो अहम रूल्स है हम इसे कह सकते हैं, इफ टू सिंगुलर नाउंस रिफर टू द सेम पर्सन. अब सेंटेंसेस में जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, यानी टू सिंगुलर नाउन रिफर टू द सेम पर्सन. जब किसी पर्सन के दो सब्जेक्ट यानी दो टाइटल हम दे सकते हैं, एक ही बंदे को दो टाइटल दिए जाएं, यानी अब मिसाल दें हम द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, यानी सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग या सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग. अब जो बंदा प्रिंसिपल है वो एक ही है, यानी एक ही बंदे के दो टाइटल हैं, यानी एक ही आदमी है उनके दो टाइटल हैं, प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है. जब इस तरह के टाइटल इस तरह की सेंटेंस हो तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका सिंगुलर होगा, यानी
जो यहाँ सेंटेंस एक्यूरेट सेंटेंस होगा द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, यानी एक ही बंदा है जो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। जब एक ही बंदे के दो टाइटल हो तो आपका यकीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। बहुत अहम ये रूल से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सेंटेंस में एक ही बंदे के दो टाइटल हो तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उनके साथ सिंगुलर होगा। तो इस मिसाल में हम दे सकते हैं कि सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी एक ही बंदा है वो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। तो इस सूरत में जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा इज होगा, यानी द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग। तो ये दो अहम रूल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। आइए आगे चलते हैं तीसरे रूल्स पे, आपका रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। रीड आउट करें कि क्या कह रहा है कि इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच, अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट ईच और एवरी, यानी एवरी ईच और एवरी से जो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आपके होते हैं और आपके सिंगुलर सब्जेक्ट ईच या एवरी से स्टार्ट होते हैं द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर, यानी ईच एंड एवरी से आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, यानी सिंगुलर होगा। तो आपको ये रूल्स याद रखना है कि जब भी ईच या एवरी का जिक्र सेंटेंस में आ जाए तो उनके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका सिंगुलर ही होगा। तो आप देख लें मिसाल, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, एवरी यानी एवरी जो वर्ड आपका आया है यहाँ पे, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी यानी हर 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 एक लड़का और लड़की वर रेडी तैयार थी, या आप कह सकते हैं कि एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। तो इनमें सेंटेंस जो करेक्ट सेंटेंसेस होगा यानी एवरी से आपका हमेशा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो सिंगुलर होगा। तो इस हिसाब से एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। तो जब भी आपका यानी एवरी एंड ईच जो वर्ड आ जाएंगे इस सेंटेंस में तो हमेशा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो लेंगे वो सिंगुलरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देख सकते हैं रूल्स नंबर 4, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल्स नंबर 4 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय, दो या दो से ज्यादा जब सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं किससे, और से, अब ये ज़हन में रखें, और नॉर आइदर एंड नाइदर, टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब ये भी जो अल्फाज हैं अपने साथ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेते हैं वो सिंगुलर ही लेते हैं, और नॉर आइदर नाइदर। अब देखें आप एग्जांपल दी गई है, नाइदर ही नॉर आई वर देयर, ना ही मैं ना ही ये वर देयर वहां थे, नाइदर ही नॉर आई वास देयर। अब आपको ये रूल्स ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपका जिक्र और नॉर आइदर एंड नाइदर का हो तो इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होगा वो आपका सिंगुलर ही होगा, यानी इस हिसाब से जो सेंटेंस आपका एक्यूरेट है Neither he nor I was there. तो ये कुछ अहम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हमने आपको आपसे रूल्स डिस्कस किए, यानी आपको इस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए अपने जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर के लिहाज से वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने अहम इम्पोर्टेंट रूल्स आपसे डिस्कस किए हैं। अब देखें, अब आगे चलते हैं रूल्स नंबर 5 एंड रूल्स नंबर 6। तो ये है रूल नंबर 5, रीड आउट कर लें आप। क्या कह रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल। आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स यानी मजमुआ होता है किसी चीज़ का, तो कलेक्टिव नाउन्स के जो रूट्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो टू टाइप्स
रूल्स अप्लाई होते हैं कि अगर जनरली होल जो है कलेक्टिव नाउन की बात की जा रही है और सारे कलेक्टिव नाउन को एक ही यानी एक ही सब्जेक्ट में शुमार किया जा रहा है, जिस तरह ये मिसाल में कह दें द बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड द रिजल्ट। अब जो बोर्ड है उसने रिजल्ट अनाउंस की है, यानी जनरली एक ही पूरे बोर्ड को एक ही कॉन्सेप्ट से लिया गया है कि बोर्ड ने रिजल्ट अनाउंस की। अब द सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट आपका प्लूरल आ रहा है और यहाँ सिंगुलर आ रहा है, क्यों? क्योंकि द बोर्ड हैव डिस्कस्ड द एग्जामिनर। अब जो बोर्ड है वो डिस्कस कर रहा है, यानी बोर्ड में जो भी मेंबर है वो अपना अपना रोल अपनी अपनी बातें डिस्कशन में ला रहे हैं। अगर यहाँ जनरली जो यहाँ इस सेंटेंस में जो बोर्ड आपका इस्तेमाल हो रहा है वो एज ए सिंगुलर होल तौर तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ देख लेंगे अब इसमें जो है यानी हर एक बंदर जो है डिस्कस करेगा, तो ऊपर वाला सेंटेंस है तो इसमें जो आपका सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो सिंगुलर ही होगा, द बोर्ड हैज अनाउंस द रिजल्ट, बोर्ड ने रिजल्ट अनाउंस की है। और जो सेकंड ऑफ सेंटेंस है द बोर्ड हैव डिस्कस्ड द एग्जामिनर, तो सेकंड नंबर सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो प्लूरल होगा। एक और हम मिसाल ले सकते हैं कि इस तरह के हैं द आइडियंस आर क्लिपिंग, द आइडियंस आर क्लिपिंग, यानी आइडियंस जो है वो क्लिपिंग कर रही है। तो यानी इसमें यकीन जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो आपका प्लूरल होगा, क्यों? क्योंकि आइडियंस जो क्लिपिंग कर रही है तो हर एक बंदर जो आइडियंस में है वो क्लिपिंग यानी रोल प्ले कर रहा है। अब एक इसी तरह के हम मिसाल लें द अमर कोर आइडियंस The Amar Fort Indians is very active. अब जो यहाँ जो Indians plural collective noun है, यानी ये जो यहाँ collective noun है as a whole लिया गया है, और इस sentence में इस मिसाल में इस example में Indians यानी हर एक बंदे को शुमार किया जा रहा है कि Indians are collecting, यानी जो आइडियंस में है हर अपना हर एक बंदा जो अपना काम करेगा। और सेकंड नंबर सेंटेंस में हमने द अमर कोट आइडियंस इज वेरी एक्टिव, यानी यहाँ जो सेंटेंस दिया है जनरली सभी जो आइडियंस है ये उसको हमने जनरली होल जो है दिखाया है। तो इस तरह कलेक्टिव नाउन अपने साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल भी लेते हैं। हमें फोकस करना है कि सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को किस तरह यानी बताया गया है, आया वो सिंगुलर बताया गया है या आया वो प्लूरल बताया गया है। आप इस सेंटेंस में भी दे सकते हैं यहाँ एज बोर्ड को सिंगुलर शामिल किया गया और यहाँ बोर्ड के यानी हर एक मेंबर जो डिस्कस कर रहा है, यहाँ आइडियंस क्लिपिंग कर रही है यानी आइडियंस में हर एक बंदा क्लिप कर रहा है, और यहाँ जो आइडियंस है आपका यानी एज ए होल लिया गया है कि अमरपुर की आइडियंस बहुत एक्टिव है। तो ये नंबर फिफ्थ जो है आपका रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था। तो आप हमने जो भी रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डिस्कस किए हैं यकीनन ये आपके लिए एक टेस्ट के हिसाब से बहुत अहम है। आप इनको रीड आउट करें, इनको जहन में कर लिखें, इनको जहन में रखें, इनको अपनी कापी पे भी राइट डाउन करें। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के उसूल हैं वो आपको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स, और आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।